जी मैं वैसे गणपति की पूजा तो बचपन से कर रही हूँ एंड आई थिंक इट्स वेरी ऑस्पिशियस स्पेशल डे फॉर मी के स्पेशली यू नो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर आफ्टर गेटिंग मैरिड दैट आई विल बी हियर बट गणपति बापा हैज़ बीन विद मी फॉर एवर एंड आई थिंक ये एक मेरे लिए ट्रेडिशन है. इट्स नॉट समथिंग विच मैंने कई लोग मन्नत लेते हैं कई लोग अलग रीजन से रखते हैं बट मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट इज़ द क्यूटेस्ट गॉड वेरी स्वीट वन ऑफ दोज़ गॉड्स दैट मैं मानती हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले श्री गणेश करते हैं और शुभ काम करने से पहले या कहीं भी जाने से पहले तो आई थिंक एक सिम्बॉलिक इसका एक महत्व होता है और मैं बहुत मानती हूँ इस फॉर्म में एंड हर साल जब आते हैं तो फेस्टिव सीज़न होता है एंड आई थिंक दैट साल में ये दिन ऐसा स्पेशल होता है कि मुझे लगता है कभी कभी कि ये मेरा ही जन्मदिन हो रहा है. आई थिंक ये स्पेशली क्योंकि महाराष्ट्र और बम्बई में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और यहाँ स्थल भी है गणपति जी का. ये बचपन से क्योंकि मैं मानती हूँ हर साल यही कोशिश होती है दैट अलग डेकोरेशन हो अलग लुक हो. इनको हम जब सजाते हैं तो एक पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहती है सब लोग इन्वॉल्व होके इसे इनको सजाते हैं. श्रृंगार होता है खाना पकता है और मोदक बनते हैं घर में बनते हैं वो स्पेसिफिकली बनते हैं एक ट्रेडिशनल स्टाइल में वो हर साल कॉमन दिखेंगे आपको. और आई थिंक जैसे इतने सालों तक ही इज़ ब्लेस्ड अस ऑल ही विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू सो. आई थिंक हर चीज़ में एक्चुअली मैं मानती हूँ दैट इफ़ यू डोंट आस्क फॉर एनी थिंग एंड यू आर गिवन तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को ब्लेस फील करते हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ फेथ. आप अगर मानेंगे फेथ रखेंगे तो आप बिना मांगे भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है. जी आई थिंक आप श्रद्धा से मनाएं और चाहे जो करें जो भी दिल से हो जैसे भी आप उनको सजाना चाहे ऐसे कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स हो अगर आप मानते हैं तो उसे फॉलो करें. हर एक का अपना ढंग होता है और जैसे मैं करती हूँ जो मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं वो उनको मैं ऑफ़र कर देती हूँ और कोई भी काम हो या कुछ भी हो अभी नहीं आज के दिन नहीं लेकिन मन में एक उनको याद रख के कोई भी आप अगर कहीं जा रहे हैं या कोई काम करते हैं बस टेक ब्लेसिंग्स चाहे वो गणपति हो या कोई भी हो बट जस्ट टेक ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल एंड द फॉर्म दैट यू बिलीव इन एंड आई थिंक ये एक ऐसे भगवान है जो आपको कभी नाराज़ नहीं करते हैं. आई थिंक मैं बहुत छोटी थी तब मुझे ऐसे लगता था ये मेरा ही जन्मदिन मन रहा है और इतना फेस्टिव माहौल होता तो मैं सबको बुला लेती थी और कुछ ध्यान नहीं होता था. अभी तो ऑब्वियसली कॉलीग्स आते हैं देयर इज़ अ वे ऑफ यू नो पीपल कम होम एंड दे इनवाइटेड पर मैं तो जब मैं खेलती थी कहीं चली जाती थी सबको कहती थी मेरे घर गणपति आ रहे हैं मेरे घर गणपति आ रहे हैं. सो एवरीबडी यूज़ टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिव मूड एंड आई थिंक आई एंजॉय इट थरली. Quite a few people will come in actually, then you will see all of them soon enough. यही कहूँगी गणपति पापा मौर्या मैं लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू गाइज एंड अपने आपकी लाइफ में जितने भी विघ्न हैं उसे हर दे और खुश रहे एंड बी हैप्पी ऑलवेज. यस.